प्यारे दोस्तों, वेलकम टू मिशन सीरियल। आज फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम सी गुरु 9 और 10 फरवरी 2022 लेके आज है आपके दोस्त कनेक्शन गुरु जी आपके चैनल पर। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमने जो इस्तेमाल किया है जो नया सिस्टम का, वो बहुत ही बढ़िया है। आगे मैं बताता हूँ वो सिस्टम क्या है। पहले भी 2-3 दिन आपको बताया हुआ है, एक शॉर्ट्स भी, 2 शॉर्ट्स भी हमने अपलोड किया है इसके बारे में। बहुत ही शानदार बेहतरीन ट्रिक्स है, मेमोरी ट्रिक्स है, जो आपको याद करने में मदद करता है 100%। ओके 100% याद करने में मदद करता है। दोस्तों जो लोग नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऐसे नए सिस्टम यहाँ पर ही आपको मिलेगा। ओके द यूनिक सिस्टम यू विल गेट ओनली हियर। करंट अफेयर्स में कनेक्शन दे के याद करना एक यूनिक सिस्टम है। ओके जो देख रहे हो दोस्तों, ये है मिशन सीरियल। हमारा जो दूसरे चैनल है वो है ड्रीम WBCS। ये दोनों साइड बाय साइड चलता रहता है। ओके एक ही चीज़ में साइड, ये बंगाली में, ये आपका मिशन सीरियल हिंदी में। ओके तो यू कैन फॉलो बोथ इफ यू अंडरस्टैंड बोथ अदर लैंग्वेज। ओके चलो, यहाँ पर जो सिस्टम यूज़ किया है हमने, ये लॉकिंग सिस्टम है। लॉकिंग आंसर विद क्वेश्चंस एंड ऑफ डाउट एट एग्जाम हॉल। ओके एंड ऑफ डाउट एट एग्जाम। देखिए दोस्तों, एग्जाम हॉल में आपको जाके डाउट होने लगता है कि कौन सा आंसर कौन सा है। ए है ऑप्शन, बी है ऑप्शन, सी है ऑप्शन, सभी एक ही तरह दिखने लगता है। ये बात सही है दोस्तों, ये इसको तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। यू हैव टू कन्फ्यूज दिस, दिस इज द ट्रू बिकॉज इन द एग्जाम हॉल, बिकॉज ऑफ टू मच प्रेशर वी थिंक दैट व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ओके घुल मिल जाते हैं। ओके घुल मिल जाते हैं सारे ऑप्शन को जाते हैं। ये सारे ऑप्शन जो घुल मिल जाता है, जो डाउट होने लगता है, ये डाउट होने का जो बात है, इस बात को हमने ख़त्म कर दिया है हमारी सिस्टम के माध्यम से। ओके एक कीवर्ड फाइंड करते हैं हम। ओके कीवर्ड के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसको लॉक कर देते हैं। ओके हम क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं। कीवर्ड ढूंढते हैं, कीवर्ड लेते हैं। ओके इस कीवर्ड के माध्यम से क्या करते हैं, हम आंसर को क्वेश्चन के साथ लॉक कर देते हैं। ये आपको पता ही है, ये लाइफ मंत्र है, इसको हम भूलेंगे नहीं, बिकॉज इसके बेसिस पे हम बहुत आगे जाने वाले हैं। ये चीज़ आप नहीं भूलें, यू शुड नॉट फॉरगेट दिस 2 सेंटेंसेस। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ इन द प्रोग्रेस ऑफ योर करियर और व्हाट्स एवर। ओके चलो नेक्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने पहले ही क्वेश्चन लेके आया कि हाई कोर्ट हैज़ कंस्टिट्यूटेड 3 जजमेंट्स टू हियर पिटीशन क्वेश्चनिंग ए बैन ऑन द यूज ऑफ हिजाब इन कॉलेज। तो दोस्तों, ये हिजाब के बारे में जो कर्नाटका में बहुत सारे हंगामा हो रहे हैं, सोशल मीडिया वहाँ पर दिख रहे, न्यूज़ में आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है। ओके जस्ट आपको क्वेश्चन याद रखना है 3 जजमेंट्स का जो हिजाब है, हिजाब के ऊपर, ये कर्नाटका हाई कोर्ट ने किया है। ओके द बैंस इंक्लूड्स चीफ जस्टिस ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट ऑफ 3 जजमेंट्स ऑन द यूज ऑफ हिजाब ऑफ फ्यू प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस इन द स्टेट। ओके ये सिंगल जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट हैड डिसाइडेड टू रिफर द प्लीज टू लार्जर बेंच एज इट फाउंड द केस इन्वॉल्व लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। ओके द डिसीजन केम आफ्टर 2 डेज ऑफ टेंशंस एंड प्रोटेस्ट। सब पूरे राज्य में हो चुका है, तो आपको ये जो मीडिया में जो आपने देखी है इतनी बारी बारी में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, ये आपको मुझे याद है, मुझे उम्मीद है कि आप याद कर पाओगे। रही बात सेकंड क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप रैंकिंग इन DN इन ICC मेंस ODI बैटिंग रैंकिंग। तो ये ODI बैटिंग जो रैंकिंग है वो है विराट कोहली। ओके अब देखिए, विराट का मतलब है, हिंदी में हम कहते हैं बहुत बड़ा, विराट का मतलब है बहुत बड़ा। अब विराट का मतलब बहुत बड़ा के साथ क्या कनेक्शन बनेगा, इन्होंने बहुत बड़ा एक ऊंचाई टारगेट बनाए हुए हैं पॉइंट्स इनके, जो बहुत बड़ा क्या है उनका जो पॉइंट्स है वो बहुत बड़ा पॉइंट्स है, मतलब 8 to 8 है इनका पॉइंट्स, उसको बहुत बड़ा मान के हम इसको याद कर सकेंगे कि बहुत बड़ा पॉइंट्स किसका है बैटिंग रैंकिंग में, विराट कोहली का। अभी देखिए कौन सा रैंकिंग में, बैटिंग और विराट, ये दोनों को भी कनेक्ट कर सकते हो आप, बैटिंग और विराट। ओके बैटिंग के साथ विराट को कनेक्ट कर सकते हो, बैटिंग के साथ विराट को आप कनेक्ट कर सकते हो एकदम ईजी तरीके से, ईजी तरीके से बैटिंग रैंकिंग विराट कोहली, विराट बहुत बड़ा ये है पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स कितने हैं 8 to 8। ये है हमारे विराट कोहली साहब का पॉइंट, ये चित्र है, इसी को मैंने दिखानी, और फॉलोड बाई कौन है, रोहित शर्मा जी, कितने पॉइंट्स हैं
807। देखिए आपको कनेक्ट करवा दिया। वाइट सिक मकाकाओ ए न्यू मैमल स्पीसीस इन द कंट्री हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द स्टेट ऑफ। अब देखिए ये जो है आपका आंसर क्या है, हमने क्या करना है, आंसर दिया हुआ रहेगा, हमें कनेक्ट करना है और परमानेंटली याद रखना है, ये हमने तरीका ढूंढा है। अब देखो वाइट और अरुणाचल प्रदेश जो है इसके साथ, और वाइट के साथ जो अरुणाचल प्रदेश का जो कनेक्शन है प्रोनाउंसिएशन के तौर पे, और बाकी जो तीन ऑप्शन है, ये जो तीन ऑप्शन है ये कहीं नहीं बैठता है। अरुणाचल प्रदेश वाइट, अरुणाचल प्रदेश मेघालय, ये वाइट मेघालय, वाइट पंजाब, वाइट बिहार, ये नहीं बैठ रहा है आपको, ये नहीं बैठा सकते आप, या बैठा नहीं ओके या बैठा नहीं पा रहा हो, लेकिन अब वाइट अरुणाचल प्रदेश इसको प्रोनाउंसिएशन पे आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके प्रोनाउंसिएशन में काम कनेक्ट कर सकते हो। तो साइंटिस्ट ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैव फाउंड ए न्यू मैमल स्पीसीज इन द कंट्री में, नेमली द वाइट चिक्ड मैकाको इन अरुणाचल प्रदेश। मैकाको वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चाइना इन 2015 एंड इट्स एक्सिस्टेंस वॉज नॉट नोन इन इंडिया बिफोर दिस। द वाइट एंड द चिक्ड मैकाको has white cheeks and a long and thick hair on the neck and longer tail than other macaques. Okay, it is age, ये देखिए आप इसके जो ये मतलब चीक के ऊपर जो वाइट वाला बाल है ये दिख रहा है आपको। ओके चीक के ऊपर वाइट वाला बाल है दिख रहा है, और ये बहुत लंबा उनके पूछ होते हैं, उनके बहुत लंबा पूछ होते हैं। दोस्तों इसके साथ मैंने और एक जोड़ने की कोशिश किया है आपको, लाइन टेल मैकाको, ये है स्टैटिक जीके का कॉमन क्वेश्चन, ऐसे स्टैटिक जीके का कॉमन क्वेश्चन, वाइट लाइन टेल मैकाको कहाँ दिखते हैं, ये दिखते हैं नीलगिरी में, वेस्टर्न घाट, नीलगिरी वेस्टर्न घाट। तो ये जो लाइन और नीलगिरी वेस्टर्न घाट, इसको आप कनेक्ट कर सकते हो, नीलगिरी लाइन टेल, ओके नीलगिरी लाइन टेल, और भी एक कनेक्ट कर सकते हो आप, लायन साइलेंट, साइलेंट वैली बोलते हैं वेस्टर्न घाट जो एरिया है उसको, क्या बोलते हैं साइलेंट वैली बोलते हैं, साइलेंट से लायन को आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके साइलेंट लेंट के लायन, लेंट से लायन, इसको आप कनेक्ट कर सकते हो, ये है लाइन टेल मैकाको जो नीलगिरी में दिखता है। तो नीलगिरी लाइन ये आप दो चार बार आप रिपीट करेंगे तो आपके दिमाग में ये लॉक हो जाएगा। ओके आपके दिमाग में लॉक हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये तो हो गया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते। द फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग बिगेन इन द फॉलोइंग स्टेट्स इन February 10, 2022। अभी देखिए जो पोलिंग है 5 स्टेट में अभी इलेक्शन होने मतलब शुरू हो चुका है, राइट 5 स्टेट में इलेक्शन शुरू हो गया चुका है। तो ये जो शुभारंभ कहाँ पर हुआ, आरंभ कहाँ पर हुआ, यूपी में हुआ है। बाकी देखिए यूपी में आरंभ हुआ है, उत्तराखंड में आरंभ नहीं बैठ रहा है, पंजाब में आरंभ नहीं बैठ रहा है, मणिपुर में आरंभ नहीं बैठ रहा है, लेकिन शुभारंभ जो है आरंभ यूपी, आरंभ शुभारंभ बोलते हैं ना हम हिंदी में शुभारंभ, तो आरंभ जो है आरंभ कहाँ पर हुआ, यूपी में हुआ है। ओके आरंभ कहाँ पर हुआ है मतलब पोलिंग स्टार्टेड मतलब बिगन मतलब शुरू हुआ है, शुरू कहाँ पर हुआ है, शुरू हुआ है यूपी में। देखिए कितना अच्छा कनेक्शन देके आपको याद करा दिया। ओके द वोटिंग फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन 2022 बिगन इन February 10, 2022 एंड द फर्स्ट फेज 50 सीट्स going to be polls and 623 candidates are in the frame, मतलब contesting candidates के number कितना है 623। अच्छा पांच नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विथ इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक इंडिया हेल्ड ए हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखिए आंसर है आशियान, आशियान के साथ एनर्जी को कनेक्ट कर सकते हो, कैन यू कनेक्ट एनर्जी विथ आशियान, बाकी जो तीन ऑप्शन है एनर्जी के साथ कुछ बैठ रहा है। देखिए जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो भी मैं सर्कल कर रहा हूँ, सर्कलिंग कर रहा हूँ, दैट मीन्स दिस इज द कीवर्ड। तो हमें क्या करना है, पहले हमें कीवर्ड को फाइंड करना है क्वेश्चन में।
क्वेश्चन में कीवर्ड कौन सा वाला है, रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, तो एनर्जी के साथ एशिया का जो कनेक्शन है, बाकी जो तीन ऑप्शन है वो कहीं नहीं बैठ रहा है। ओके, वो कहीं नहीं बैठ रहा है दोस्तों, बताइए। इतनी सुंदर जो कनेक्शन देने वाला तरीका आपको और कहीं नहीं मिलेगा। बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली, ओके, बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली। ये है आशियान के लोगो, पिछले दो दिन पहले भी हमने आशियान का लोगो आपको दिखाए हुए हैं। ओके, दिस इज बिंग होस्टेड इन कोलाबोरेशन विद एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी, जिसको बोलते हैं हम। द थीम ऑफ द कन्फ्रेंस इज एक्सपीरियंस एंड इनोवेशंस फॉर इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल मार्केट्स। तो दोस्तों, जो नए दोस्त है, जो पहली बार देख रहे हैं, जरूर पहले सब्सक्राइब लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाद में देखिए वीडियो, बिकॉज ऐसे जो परमानेंट कनेक्शन वाला सिस्टम है ये हम ही बताएंगे आपको कि कहाँ पर कौन से कनेक्शन देना है और आपको कैसे याद रखना है। देखिए कितनी अच्छे कनेक्शन इसमें आपको देने वाला हूँ मैं। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ बिकम द फर्स्ट ऑन टू बी इंटीग्रेटेड विद द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। अब देखिए इसका क्या है, ये है इसका कीवर्ड और आपका आंसर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। आपका आंसर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, श्रीनगर। ओके, श्रीनगर। अब श्रीनगर से सिंगल को कनेक्ट कर सकते हैं, सिंगल नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। श्रीनगर से सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम से श्रीनगर। श्रीनगर इज द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ये देखिए इसका सिंगल विंडो का एक है लोगो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। ओके, इसमें क्या करें, सिंगल प्लेटफॉर्म टू एनेबल इन्वेस्ट आइडेंटिटी ऑब्टेन अप्रूवल्स एंड क्लियरेंस। तो एक विंडो में आपको सारी चीज़ें, नो योर अप्रूवल सर्विस, कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्टेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन डैशबोर्ड, डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी एंड ई कम्युनिकेशन मॉड्यूल। तो सारी चीज़ मतलब ये बिजनेसमैन के लिए किया गया है। ओके, बिजनेसमैन के लिए किया गया है, जिससे कि एक सिंगल विंडो में सारी चीज़ों को मिल जाए। ओके, नेशनल, अभी देखिए आगे क्या कर रहे हैं, ये तो पहले कहाँ पर हुआ है वो बोले। इंडिया से नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट हैज़ बीन बिल्ड इज एडवाइजरी गाइड टू हेल्प इन्वेस्टर्स एंड एंटिटी एंड अप्लाई फॉर अप्रूवल्स एज पर देयर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, एज पर देयर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, तो सिंगल से क्या है, श्रीनगर। श्रीनगर से कहाँ ले आए आपको, जम्मू कश्मीर। बाकी किसी के साथ ये जो कनेक्शन मैं आपको बताया, ये कनेक्शन कहीं नहीं बैठ रहा है, ये कनेक्शन कहीं नहीं बैठ रहा है दोस्तों। तो बताइए, कमेंट्स कीजिए कि कैसी लगी हमारे जो सिस्टम है ये। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंट्रल बैंक ऑफ विच नेशन हैज लॉन्च्ड द 5-year प्लान फॉर फाइनेंसिंग स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, ये है देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक मेन ये है कीवर्ड है आपका। ओके, अगर ये नहीं होगा तो ये जो फाइनेंशियल स्टैंडर्डाइजेशन है ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। तो क्या करना है, आपका कीवर्ड क्या है फिर, आपका कीवर्ड क्या है, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक, सेंट्रल से चाइना को कनेक्ट कर सकते हो आप। सेंट्रल से चाइना को कनेक्ट कर सकते हो, बाकी किसी के साथ ये जो सेंट्रल बैंक का कनेक्शन है नहीं बन रहा है दोस्तों। आप दो चार बार रिपीट कीजिएगा, सेंट्रल बैंक चाइना, सेंट्रल बैंक चाइना, सेंट्रल बैंक चाइना, फाइनेंशियल स्टैंडर्डाइजेशन ऑटोमेटिकली, जैसे कि सेंट्रल बैंक ही फाइनेंशियल स्टैंडर्डाइजेशन कर सकता है, बिकॉज ही इज द कंट्रोलर ऑफ कैश इन द कंट्री। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आपको इतना सुंदर कनेक्शन और कहीं देने वाला है। देखिए, व्हाट इज़ द यूनियन ऑफ अहमदाबाद आईपीएल टीम। अभी पता है आपको दो, ये जो ऑप्शन नंबर पॉइंट्स नंबर एक में बोला गया है, टू न्यू टीम्स, एक अहमदाबाद एक है लखनऊ, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। से टू मेक द डेब्यूट इन आईपीएल 2022, द लखनऊ फ्रेंचाइज
ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग विल बी कॉल्ड एज लखनऊ सुपर जायंट. आर के एल राहुल विल लीड द लखनऊ सुपर जायंट. तो जो कल परसों वाले का जो वीडियो है उसमें हमने बताया कि हार्दिक पंड्या जो है वो गुजरात जो IPL टीम होगा उसके कैप्टनसी करेंगे और के एल राहुल लखनऊ. अभी देखिए इसको भी हमने कनेक्शन में बैठा दिया. पहले एक एक करके बताते. तो गुजरात टाइटन, ठीक है, IPL टीम अहमदाबाद का जो है वो है गुजरात टाइटन. ओके, क्या नाम है? गुजरात टाइटन. अब क्या 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 करें? गुजरात टाइटन है क्या है? एक घड़ी का ब्रांड है, आपको पता है घड़ी में मशहूर है टाइटन्स. तो हमें क्या करना है? घड़ी और गुजरात को कनेक्ट कर सकता हूँ. घड़ी और गुजरात हो सकता है दोस्तों, और ऐसे ही कनेक्शन होने वाला है. ऐसे ही कनेक्शन हो तभी आपको याद होगा कि गुजरात जो IPL टीम है, गुजरात का जो IPL टीम है वो क्या है? टाइटन का घड़ी पहन के खेलेंगे. ओके, ये तो रही बात. एक दूसरी बात है जो ये हार्दिक पंड्या है वो है अहमदाबाद IPL टीम का कैप्टन. अब यहाँ पर लखनऊ केएल ये आपको याद करना है कि कौन कैप्टनसी करेगा. लखनऊ केएल ये आपको याद हो गया. और ये है लखनऊ सुपर जायंट, इसका टीम का नाम. ओके, ये है लखनऊ सुपर जायंट, लखनऊ टीम का नाम. स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एंड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी फंक्शंस अंडर द एजिस ऑफ. देखिए यहाँ पर ये जो शब्द है ये शब्द पक्का रहेगा, शुरू में ही रहेगा. तो स्पेस और इसरो को आप कनेक्ट कर सकते हो, स्पेस और इसरो को कनेक्ट कर सकते हो, यही आपका आंसर है. स्पेस और इसरो दोस्तों, ऐसे कनेक्शन के लिए आप हमारे साथ बने रहे. आपको और कहीं नहीं मिलेगा ये जो सिस्टम मैं बता रहा हूँ, इट यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर. ओके, तो इसरो स्पेस इसरो बाकी जो ऑप्शंस है वो ऑप्शन इसरो और स्पेस के बीच में कहीं नहीं बैठता है, इसरो के बीच में कहीं नहीं बैठता है. ओके, चलिए पॉइंट नंबर एक, अहमदाबाद बेस्ड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, वो तो पहला वाला जो क्वेश्चन में बोला गया है वही बताया जा रहा है. नंबर दो, द साइंटिस्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट के सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड क्वांटम इंटेंजलमेंट यूजिंग रियल टाइम क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD दे कंडक्टेड हैक प्रूफ कम्युनिकेशन. ये आपको याद रखना है कि हैक प्रूफ कम्युनिकेशन किया गया है. ओके, हैक प्रूफ कम्युनिकेशन इसरो क्वांटम इंटेंजलमेंट के माध्यम से क्या किया गया है? हैक प्रूफ कम्युनिकेशन किया गया है. ओके दोस्तों, तो ये हैक प्रूफ कम्युनिकेशन किसके माध्यम से की गई है? क्वांटम इंटेंजलमेंट के माध्यम से किया गया. किया किसने? अहमदाबाद बेस स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो इसरो का एक ब्रांच ऑफिस है. ओके, इसरो का जो एक ब्रांच ऑफिस है, ये हमारा इसरो का जो एक ये सेटेलाइट लॉन्चिंग का साथ ये हमारा इसरो का एक चित्र है. ओके, चित्र है. चलिए टेंथ नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रोजेक्टेड रियल GDP ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल 2020 to 2023. ये पहले एक वीडियो में हमने ये बताए हुए हैं कि इसका जो फिगर है वो 7.8 है. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड द रियल ग्रोथ ऑफ GDP 7.8% फॉर द फिशियल ईयर 2022-2023. फॉर्मर RBI इन्फॉर्म्ड RBI गवर्नर शशिकांत दास. तो प्रेजेंटली कौन है गवर्नर वो भी हमें पता लग गया. वेल अनाउंसिंग RBI बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन ऑन February 10, 2022. ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक लोगो. ओके, ठीक है. विच एन कंट्री हैज बैंड इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स? देखिए आंसर क्या है? इंडिया. ऑप्शन नंबर बी आंसर है इंडिया. तो अभी हमने क्या किया है, ये जो आंसर है, तो हमने क्या किया है,
आंसर के साथ दिल्ली को जोड़ दिया है। ओके, दिल्ली को जोड़ दिया। क्यों दिल्ली को जोड़ दिया है? क्योंकि दिल्ली से ड्रोन के साथ कनेक्शन बनाना है हमें दोस्तों। और दिल्ली मतलब इंडिया, दिल्ली से ड्रोन, और दिल्ली मतलब इंडिया। बाकी ड्रोन के साथ और किसी के कनेक्शन नहीं बन रहा है दोस्तों। दिल्ली के साथ जो ड्रोन का कनेक्शन बन रहा है, बाकी ऑप्शन के साथ कहीं नहीं बैठ रहा है। ओके, अब क्या है, अभी हम देखते हैं पॉइंट नंबर वन में क्या क्या बोला गया। इंडिया हैज़ बैंड द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन ड्रोन्स टू प्रमोट हम मेड ऑफ इंडिया ड्रोन्स विथ इमीडिएट इफेक्ट ऑन February 9, 2022। द इम्पोर्ट ऑफ ड्रोन्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्पज विल दो बी हैलोड। तो ये पर्पज़ के लिए अगर होगा, डिफेंस पर्पज़, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, अगर इसका मतलब ये है गवर्नमेंट अगर इंपोर्ट करना चाहे, करना चाहे तो कर सकते हैं, बिकॉज डेवलपमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटी मोस्टली। ओके, डिफेंस उसके अंडर में, सिक्योरिटी गवर्नमेंट के अंडर में है, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ इन फेवर ऑफ द कंट्री, दिस इज़ इन फेवर ऑफ द कंट्री। बाकी जो है दिस इज़ नॉट इन फेवर ऑफ द कंट्री, बिकॉज हम लोग अगर फालतू काम वाला जो ड्रोन्स है, जैसे फोटोग्राफी वाला ड्रोन्स है और वगैरह वगैरह जो काम यूज़ होने वाला ड्रोन्स है, वो अगर खरीदेंगे तो क्या होगा, देश का अर्थ बाहर जाएंगे। ओके, देश का जो अर्थ है वो बाहर जाएगा। ये है ड्रोन का एक चित्र। कनकुट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन यूनियन टेरिटरी? जी, कनकोट से कश्मीर कनेक्ट कर सकते हो। कनकोट कश्मीर, आपको एकदम झटके से चुटकियों में आपको याद करा दिया हमने। कनकोट कश्मीर, कनकोट कश्मीर, कनकोट कश्मीर, जम्मू कश्मीर हो गया आपका। ओके, बाकी जितने ऑप्शन हैं वो कहीं नहीं बैठ रहा है, कनकोट के साथ कहीं नहीं बैठ रहा है दोस्तों। सो यू कैन रिमेम्बर वेरी इजीली, वेरी इजीली, वेरी इजीली। ये तो मेरी दवा है, ये तो मेरी दवा है दोस्तों। ओके, द पीपल सेलिब्रेट मैरिज ऑफ लॉर्ड शिवा विथ गॉडेस पार्वती एंड द प्रे फॉर देयर स्पाउसेस लॉन्ग लाइफ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गौरी तीर्था, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गौरी तीर्था, मतलब जो दुर्गा माता जो बंगाल में कहते हैं दुर्गा पूजा, वही है पार्वती, वही है गौरी, गौरी तीर्थ बोलते हैं इसको। कनकोट फेस्टिवल इज रिलीजियस एंड कलरफुल इवेंट्स फॉर फॉलोअर्स ऑफ नाग कल्चर। ओके, जो लोग नाग कल्चर फॉलो करते हैं। इट इज रिसेंटली सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोडा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इज ओल्ड कनकोट फेस्टिवल। ओके, सेलिब्रेटेड अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। ये एक चित्र जो है आपके सामने प्रस्तुत किया है, जैसे कि आपको चित्र माध्यम से थोड़ी बहुत याद रहे, थोड़ी बहुत याद रहे। अच्छा, 13 नंबर का क्वेश्चन है। ऑन द रिपोर्ट ऑफ वोमेन ऑन द बोर्ड रूम, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड सीट्स इन इंडिया इन 2022? देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 17.1। तो देखिए ये जो रैंकिंग वाला इंडेक्स वाला जो सिस्टम है, जो हम बताते हैं कि अगर मान लीजिए पासपोर्ट के इंडेक्स में इंडिया का नंबर है कितना 85, तो हम क्या याद करेंगे कि इंडिया में 85 लोगों को, 85 लोगों के पास पासपोर्ट है। तो ऐसे यहाँ पर भी वोमेन इन बोर्ड रूम, मतलब बोर्ड जो होते हैं बिजनेसमैन का, जो बोर्ड होते हैं बिजनेस कंपनी में, बड़े बड़े कंपनी में जो बोर्ड होते हैं, उसमें भागीदारी कितना है। ओके, भागीदारी कितना है, तो 17.1। तो हम ये बोलेंगे कि इंडिया में बोर्ड रूम में कितनी महिलाएं हैं इस साल में, 17। ओके, 17 महिलाएं हैं। ओके, 17 महिलाएं हैं, ये अगर हम याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो ऑटोमेटिकली लॉक होगा कि बोर्ड रूम में कितनी महिलाएं हैं, 17.1। एट द करेंट एंड द पेस द वर्ल्ड कुड एक्सपेक्ट एंड टू रीच नियरली पैरिटी इन 2045। तो 2045 में क्या होगा, 50-50 बोर्ड रूम में महिलाओं की और पुरुषों की संख्या 50-50 हो जाएंगे। ओके, बोर्ड रूम में महिलाओं और पुरुषों की संख्या क्या 50-50 हो जाएंगे। ये है बोर्ड रूम के एक चित्र। ओके, जहाँ पर बोर्ड के मीटिंग की जाती है।
बोर्ड की मीटिंग की जाती है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमें आगे स्टेप लेना है कि कंपनी को आगे बढ़ोतरी किया जाए, आगे बढ़ोतरी किया जाए। द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन इंडिया 2021 इज मुंबई, मोस्ट कंजेस्टेड सिटी। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे आप, हम जैसे आपको पता है, देखिए ये जो पोर्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी ये वाला, द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल महाराष्ट्र इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। तो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी मतलब क्या है, मनुष्यों का जो संख्या है, तो मुंबई से मनुष्य उसको कनेक्ट कर सकते हो आप, डेफिनेटली कर सकते हो, मुंबई से मनुष्य। अगर मनुष्यों की संख्या ज़्यादा है तो गाड़ी और घोड़ा ये इसके संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा गाड़ी घोड़ा होगा और इसीलिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होगा, बहुत ज़्यादा। और इसके जो वर्ल्ड का जो कंजेस्टेड सिटी है वो भी हमारे पास है, उसको भी हम आपको याद करा देंगे, उसको भी हम आपको याद करा देंगे, याद करा देंगे दोस्तों। ओके, तो मनुष्यों का संख्या कहाँ पर है, मुंबई में, मुंबई मनुष्य, मुंबई मनुष्य, मुंबई मनुष्य। ओके, ये आपको याद करा दिए हमने। ओके, मुंबई हैज ए पॉपुलेशन ओवर 12.7 मिलियन विथ ए पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 21,000 पर स्क्वायर किलोमीटर। इट इज नोन फॉर द टॉप फाइनेंशियल, एंटरटेनमेंट एंड इकोनॉमिक इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये तो रही बात अलग से, ये हो गया। तो मुंबई में मनुष्यों का जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है, और मनुष्यों का संख्या ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ, गाड़ी घोड़ा का संख्या ज़्यादा हो चुका है, इसलिए जो सिटी जो है कंजेस्टेड हो गया है। ओके, सिटी जो है कंजेस्टेड हो चुका है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, द नोडल एजेंसी फॉर पार्थन 2022, ये हैकाथन लॉन्च बाय यूनियन पावर मिनिस्ट्री, ये क्या है, इसका आंसर है REC। तो REC का फुल फॉर्म पहले आपको दिखा दूँ, फिर आपको आलोचना करते हैं। REC लिमिटेड फॉर्मली नोन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिफिकेशन से आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, पावर, इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर। ये जो पावर थन, ओके, ये जो पावर थन है इसी का एक लोगो है। तो REC का जो फुल फॉर्म है उसी के साथ कनेक्ट करके आप पावर को याद कर सकते हो कि पावरथन REC, पावरथन REC, पावर से इलेक्ट्रिसिटी, पावर से इलेक्ट्रिसिटी, ये आप याद कर सकते हो। ओके, दिस इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर एंड इजी टू गिव कनेक्शन ऑल्सो। ओके, तो आपका क्या है, पावर से रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट, the most congested city in the world in 2021 ranking, most congested city क्या है, इस्तांबुल। अब देखिए हमने वहाँ पर आलोचना किया है कि मनुष्यों का जो संख्या है वो मुंबई में ज़्यादा है, मुंबई से मनुष्य। ओके, हो गया। अब मनुष्यों की संख्या ज़्यादा होने के कारण हमने वहाँ पर क्या बताया कि कंजेस्टेड होगा, वो गाड़ी और घोड़ा की संख्या, जो गाड़ी घोड़ा बोलते हैं ना हम, गाड़ी, गाड़ियों का संख्या बहुत ज़्यादा हो गया। अगर गाड़ियों का संख्या अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो चलना क्या इजी होता है, इज इट इजी टू मूव इन द सिटी इफ देर इज टू मच कंजेशन इन द रोड, नो। तो इजी और इस्तांबुल को कनेक्ट कर सकते हो आप, देखिए मुंबई और इस्तांबुल दोनों आपको याद करा दिया हमने, मुंबई और इस्तांबुल दोनों आपको हमने याद करा दी। ये है, ये इस्तांबुल सिटी का एक चित्र। ओके, इस्तांबुल सिटी का एक चित्र दोस्तों, इतने बढ़िया कनेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ओके, बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली, सब्सक्राइब चैनल एंड फॉर योर बेटरमेंट ओनली, नथिंग फॉर मी, फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर बेटरमेंट। इस्तांबुल हैज़ बीन रैंक्ड एज मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड इन 2021, फॉलोड बाई मॉस्को एट सेकेंड प्लेस एज पर दी TomTom 2021 ट्रैफिक इंडेक्स रिलीज्ड इन February 9, 2022। तो TomTom क्या करता है, ट्रैफिक इंडेक्स कौन देता है, TomTom, ये देखिए यहाँ पर TomTom क्या देता है, ट्रैफिक इंडेक्स, TomTom क्या देता है, ट्रैफिक इंडेक्स, ये भी आपको याद करा दिया हमने। बताओ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा बताओ, कैसे आएगा। तो हमने क्या करनी है, हमारी कर्तव्य क्या है, हमें पहले बोला कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड सिटी कौन है,
मनुष्यों की संख्या ज़्यादा होने के कारण इंडिया में कंजेस्टेड सिटी कौन सा हो गया, मुंबई हो गया। अगर कंजेस्टेड सिटी हो गया तो चलना बहुत ही मुश्किल होता है, ईजी नहीं होता है। ओके, चलना ईजी नहीं होता है। वो जो ईजी मैंने बोला है आपको, ईजी से इस्तांबुल को आप कनेक्ट कर सकते हो, मतलब एक तीर में आपने दो चिड़िया को उड़ा दी है। कैसे? एक है मुंबई को आपने याद कर लिया इंडिया में, और उसके साथ साथ इस्तांबुल को भी आपने लॉक कर दिया है दोनों तरफ से। ओके, दोनों तरफ से आपने इस्तांबुल को भी मुंबई को भी लॉक कर दिया है। दोस्तों आज यहाँ तक ही ख़त्म करूँगा, ठीक है? बहुत लंबा हो गया है वीडियो ऑलरेडी। ओके, और आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ये तो आपको पता ही है, हमारे जीवन मंत्र हैं ये, हम बोलने भूलेंगे नहीं, बिकॉज दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ आवर फ्यूचर। बेस बेस ऑफ आवर फ्यूचर इज आई कैन डू इट, आई विल डू इट। बेस बेस, इफ योर बेस इज स्ट्रांग देन यू आर गोइंग टू बी सुपर पावर, इफ योर बेस इज नॉट स्ट्रांग देन इट इज नॉट फॉर। ओके दोस्तों, ये जो मिशन सिजिल है, ये इस चैनल में आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिलेगा आपको। ओके, तो बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली सो दैट यू रिमेंबर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड यू डू एंजॉय इन लर्निंग, एंजॉय इन लर्निंग। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक्स थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। जो नए दोस्त है जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें कि आपको सिस्टम कैसी लगी। चलो आज ये हाथे के ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।